नमस्कार, एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल SHVM बापूनगर पर आपका स्वागत है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग की जीवा वर्ग के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो इस जीवा द्वारा बने लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये आपका वर्गखंड है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो देखिए लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान रहे इसके स्थान पर आप 1/2 आधार गुना ऊंचाई भी ले सकते हो, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, अर्थात क्या हुआ इसका, इसका अर्थ हुआ ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो थीटा है वो क्या है, 90। यदि जब भी थीटा का मान 90 हो उस स्थिति में इसके स्थान पर आप 1/2 आधार गुना ऊंचाई का प्रयोग करके भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ये इस त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ओ ए बी का क्षेत्रफल ये। लेकिन जब थीटा का मान 90 डिग्री हो उस स्थिति में आप इसके स्थान पर क्या ले सकते हैं, इसके स्थान पर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, दोनों में से किसी का भी उपयोग करके कर सकते हो, क्योंकि साइन थीटा जो है वो 90 है और इसका मान होगा 1। जब ऐसी स्थिति होगी तो आर स्क्वायर का मान होगा 5/5 और यहाँ आधार गुना ऊंचाई का अर्थ भी होगा 5/5, इसलिए मान में भी किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा, आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए यहां से मान रखते हैं सारी, पाई का मान 22/7 भी ले सकते हो और 3.14 भी ले सकते हो। वैसे ज्यादातर स्थिति ऐसी होती है कि जब भी आर का मान यानी कि त्रिज्या का मान 7 से विभाज्य हो तब तो लेते हैं 22/7, अन्य स्थितियों में लेते हैं 3.14। लेकिन जब भी का हुआ ना हो तो दोनों में से किसी भी मान का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही 22/7 का और 3.14 का अलग अलग उपयोग करेंगे तो मामूली यानी थोड़ा सा डिफरेंट आएगा उत्तर में, दशमलव के बाद में देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि जब 7 का भाग देते हैं तो भाग तो आगे भी विभाज्य होगा, ये भाग देने पर ही मान प्राप्त हुआ है, 7 3 21, पीछे रहा 1, फिर 10 हो गए दशमलव लगाने से, 7 1 7, फिर 3 हो गए 28 हो गए, 7 4 28, फिर रहे 2 20 हो गए, 20 के अंतर्गत फिर 2 बार, इस तरीके से भाग तो आगे से आगे चलता रहेगा। इसके कारण ये मान है वो सन्निकट मान जरूर है लेकिन पूर्णतः मान नहीं है, 22/7 के बराबर नहीं है, इसलिए जब 3.14 लेंगे तब मान है वो थोड़ा सा कम आएगा दशमलव के बाद, और जब 22/7 लेंगे तो मान है वो थोड़ा सा अधिक आएगा लेकिन दशमलव के बाद ये अंतर आपको देखने को मिलेगा, दशमलव से पहले जो मान होगा वो समान होगा। तो देखिए दोनों ही मान लेकर मैं आपको बता देता हूं, का 22/7, आर का हो गया 5/5 और थीटा का हो गया 90 और 360, माइनस में 1/2 आर का मान हो गया 5/5 और साइन 90, थीटा का मान हो गया 90। ठीक है, देखिए यहां से ये कट गया 4 बार, तो इस तरीके से आपके पास में आ गया, देखिए आगे ये फिर कट जाएगा 2 से, तो ये हो गया 2 और ये 11 बार कटेगा 22, तो ऊपर आ गया 11 गुना 5 गुना 5 और नीचे रहा 7 गुना 2 यानी 14 माइनस में हो गया 5 और 5 का गुना हो जाएगा 25 और पटे में आ गया 2 और जो साइन 90 है इसका मान हो जाएगा 1। साइन 90 का मान कितना होता है 1। वैसे टेबल बनानी आप सभी को आती है, यदि नहीं आती है तो मेरे पुराने वीडियो जो चैनल पर डाले हुए हैं उनमें जाके आप देख सकते हो, वहां मैंने अच्छी तरीके से समझाया है कि टेबल का निर्माण किस तरीके से करना है। अब देखिए यहां से 11 और 5 और 5 से गुणा कर देते हैं तो 25 हो गया, बटे में 14 आ गए, माइनस 25/2 हो गया, आगे और 25 और 11 से गुणा किया तो 25 का 5 हासिल 2, 25 और 2 27/14 माइनस 25/2। आगे देखिए हल कर देते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 14 से 14 कट गए तो हो गए 275 माइनस 2 का भाग 14 में 7 बार और 25 और 7 से गुणा किया तो आ गया 175। अब देखिए घटा देते हैं, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 0 और 1 100/14, 14 का भाग दे देते हैं तो 14 का भाग देंगे 14 7 98 आ जाएगा, पीछे बचे 2 हो गए आपके 20, 20 में भाग जाएगा 1 बार, पीछे रहे 6
हो गए 60, 60 में भाग जाएगा चार बार, 14 4 56, और भी आगे भाग दे सकते हैं आप दशमलव के बाद, वैसे दो अंकों तक भाग देना है, तो आ गया 7.14, 7 क्या आ गया 14, वापस 14 7 98 बचे 2 लगाया 20 हो गए, 14 का भाग गया एक बार, पीछे बचा 6 हो गए 60, और 60 में गया चार बार। आपको पता है हमने क्या ज्ञात किया है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के पीछे मात्रा का सेंटीमीटर है, इसलिए हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया पाई का मान 22/7 रखने से, यदि आप पाई का मान क्या लेते हैं, पाई का मान लेते 3.14, क्या लेते 3.14, तो कितना डिफरेंट आता, देखिए यहां से मान रख देता हूं मैं दोबारा, इसी सूत्र में आपको मान रखना है, सिर्फ अंतर क्या है, पाई का मान क्या रखना है आपको, अब रखना है 3.14, तो ये पाई का मान हो गया 3.14, दोबारा करवा लो, ध्यान रखना पाई का मान बदल के, अब दशमलव में ले रहा हूं 3.14, 5 × 5, और थीटा का मान हो गया 90 बटे में आपके आ गया 360 -1/2 आर का मान हो गया 5, इसलिए स्क्वायर है तो 5 × 5, साइन का मान हो गया 90, साइन 90 का मान 1, देखिए यहां से 90 से ये कट गया 4 बार, ठीक है। इस तरीके से 3.14 और 5 और 5 का गुणा हो गया आपके 25 बटे में आ गया 4, माइनस में हो गया आपके साइन 90 का मान 1, इसलिए हो गया 5 × 5 25/2, 25/2, और यहां लिख देंगे साइन 90 = 1, ठीक है। अब देखिए यहां से गुणा कर देते हैं, 25 × 4 आपके 100 हो गए, हासिल होगी 10, 25 और 1 का गुणा 25 हो गया, 25 और 10 हो गए 35, का 5 हासिल होगी 3, 25 × 3 = 75 और 3 हो गए 78 बटे में आगे 4, -25/2, 25 × 4 = 0, 10 हासिल, 25 और 10 = 35 हासिल 3, 75 और 3 = 78, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो इस तरीके से ये हो गया गुणा। अब एलसीएम हो जाएगा आपका 4, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 4, 4 से 4 कट गया एक बार, 1 और 78.50 से गुणा किया तो आ गया 78.50, माइनस में 2 का भाग दिया 2 बार, 25 और 2 से गुणा किया तो हो गया 50। आगे देखिए हल करते हैं, घटा देते हैं तो 0 में से 0, 5 में से 0 किया तो क्या बचा 0.,  अब 78 है, 78 में से घटाने हैं 50, तो 8, 8 में से 0 घटेगा, देखिए ध्यान रखना 78 में से घटाने कितने हैं आपको 50, कितने घटाने 50, तो ये सीधे दशमलव के बाद में सॉरी 0.50 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद में कुछ नहीं है तो क्या है 0। एलसीएम में आपको समझ में आ गया होगा, 2 का भाग 4 में 2 बार, 25 और 2 से गुणा किया 50, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, यहाँ जो है उसमें से दशमलव के बाद जब कोई अंक नहीं है तो क्या होगा 0.00, में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया तो 5, 78 में से 50 घटाएंगे 8 में से 0 8 और 7 में से 5, तो इस तरीके से आ गया 28.50 भाग देना 4 का, तो 7 × 4 = 28, 7 बार गया दशमलव आ गया, फिर भाग जाएगा 5 में एक बार, पीछे बचा 1 हो गए 10, 10 में जाएगा 2 × 4 = 8, और पीछे बचे 2 हो गए 20, तो 3 अंकों तक देंगे तो 5, ये हो गया आपके वर्ग सेमी। आप दोनों उत्तर जो आपने ज्ञात किया देख सकते हैं, पहले वाले में आपके 7.14 आया था, भाग अभी भी आगे जा रहा था लेकिन दशमलव में 2 अंकों तक ही ज्ञात करना था, तो 2 अंकों तक आया था 7.14, और यहाँ आया 7.12। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि दशमलव के बाद में डिफरेंट आएगा कब, जब आप पाई का मान एक बार 22/7 लोगे और एक बार 3.14 लोगे, यदि 22/7 लोगे तो कुछ मामूली सा अंतर है कि वो मान थोड़ा दशमलव के बाद ज्यादा आएगा, और जब आप 3.14 लेते हैं तो कम आएगा, तो देख सकते हैं आप दशमलव के बाद में यहाँ थोड़ा मान है वो जब 22/7 लेते हैं उससे डिफरेंट आया है, अंतर आया है, जब 22/7 लिया तो जो मान आया उससे जो 3.14 लिया तो उससे मान में थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों ही उत्तर सही है। आप पाई का मान जब प्रश्न में नहीं दे रखा उस स्थिति के अंदर 22/7 भी ले सकते हो और 3.14 भी ले सकते हो। एक और बात रहेगी वो भी बता दूं मैं कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा की जगह यदि क्या हो या थीटा 90 हो, यह बात समझने लायक बात है, ये किस स्थिति में इस सूत्र का जो डिफरेंट है वो यहां बदलता है सूत्र, 1/2000 × ऊंचाई कौन सी स्थिति में आता है वो भी बता दूं मैं, जब समकोण त्रिभुज दे रखा हो यानी थीटा का मान 90 हो तो ये त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज, और जब समकोण त्रिभुज हो तो इसके स्थान पर एक और सूत्र लगाते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये भी लिखते हैं,
एक बटा दो हजार गुना ऊंचाई भी लिखते हैं, लेकिन कब ध्यान रहे जब थीटा 90 हो तभी ये इसका स्थान लेगा, अन्यथा नहीं। यदि हम इसके स्थान पर ये लिखते तो भी हमारा उत्तर यही आता, और यदि इसके स्थान पर ये लिखते तो भी उत्तर यही आता। लेकिन सामान्य जो सूत्र है वो यही है जो सभी थीटा के लिए और थीटा के लिए यदि बात करें, थीटा का मान कोई भी हो उस स्थिति में सूत्र यही लगता है, लेकिन जब थीटा का मान समकोण हो तो ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, जो कि यहाँ त्रिभुज ए ओ बी, तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए होता है। लेकिन जब समकोण त्रिभुज हो तो हम इसके स्थान पर आगे वाला यही रहेगा, लेकिन आगे एक बटा दो हजार गुना ऊंचाई लिखेंगे। ये लिखेंगे तो भी मान में अंतर नहीं होगा, एक बटा दो हजार हो गया आपका पांच और ऊंचाई होगी तो पांच और पांच से गुणा किया तो पच्चीस बटा दो आया या नहीं, और आप यहां से मान देख सकते हो ये क्या आया पच्चीस बटा दो, यानी मान वही का वही आएगा। लेकिन किस स्थिति में यह रख सकते हैं एक बटा दो हजार गुना ऊंचाई, जब समकोण का यहाँ थीटा का मान समकोण में होता, ठीक है।